सुनाएं आज क्या 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 प्रोग्राम था जो आप लोग सब यहाँ पुलिस स्टेशन में पहुँच गए? सैफ पठान, क्या हुआ? पूरे शहर भर में देखिए, आप जानते हो जैसे होर्डिंग लगी थी कुल जमात की तरफ से कि कुछ सत्कार का प्रोग्राम रखा गया था कब्रिस्तान के तालुक से, तो जैसा कि आप जानते हो कि शहर को इलीगल कब्रिस्तान दिया गया है, उसी के तालुक से संजू जायसवाल जो हमारे आयुक्त थे वो आज यहाँ आने वाले थे, हमको मालूम पड़ा। उनसे हमने मुसलसल शहर के सभी लोगों ने उनसे मुसलसल कोशिश की कई दफ़ा मुलाकात करने की, अपनी बात रखने की, लेकिन वो टाइम देते नहीं थे। तो हमको लगा कि आज कुल जमात की तरफ से जो अरेंज किया गया प्रोग्राम है ये सबसे अच्छा मौका है कि हम हमारी बात उनसे रख सकते हैं, हमारे सवाल उनके सामने रख सकते हैं और हमको जवाब वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि वो जनता दरबार लगा करके कुल जमात की तरफ से आ रहे थे। इसी मंशा से हम लोगों ने हमारे लिखित में सवाल लिख करके, जैसे कि हमको मुफ्ती अशरफ साहब से हमने परमिशन ली थी, बात की थी कि आप लोगों ने कुल जमात की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हम आ सकते हैं क्या, उन्होंने हमसे कहा था कि निमंत्रण है, आप आओ, हम आगे भी बिठाएंगे और आपकी बात भी रखो, आप सवाल भी कर सकते हैं। तो वो हम लिखित में लेके गए थे सवाल पूछने, लेकिन वहाँ पर क्या पता क्यों ऐसा सीन क्रिएट हुआ, इशू क्रिएट हुआ कि जैसे हम लोगों को यहाँ चौकी लेके आया जाएगा। किस वजह लाए आप? बस सडनली अचानक से सीनियर सर आए और बोले कि आप लोग हटो यहाँ से, पीछे लेते हुए हमको पीछे लेते 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 सीधा वहाँ गाड़ी में बिठाया गया कि सवाल नहीं कर सकते, मेमोरेंडम। हमने बहुत कोशिश, सर हमको मेमोरेंडम देने दीजिए, हम लिखित में लाए हैं, हम कोई यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, बस हमको जवाब लेने दीजिए कि हमको इलीगल कब्रिस्तान क्यों मिला, या यूडी से जो पास हुआ हमारा कब्रिस्तान रिजर्वेशन वो क्यों नहीं मिला। हमारे तीन सवाल थे, हमको तीन सवाल के जवाब लेने दीजिए। बारिश में पानी अगर भर जाएगा, जो आप लोगों ने आज कब्रिस्तान दिया इलीगल, अगर वहाँ पर कल बारिश में पानी भर जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो भी मैयतों की वहाँ पर बेरुमति होगी उसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये तीन सवाल थे हमारे, उसके लिए हम मांग रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं, बल्कि आप लोगों को जो है परेशान कर दिया गया पुलिस स्टेशन, धमकी दी गई। धमकी दी गई और इस चीज़ की धमकी? जायसवाल साहब ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जायसवाल, जो अपने आप को राष्ट्रवादी के एक पदाधिकारी ने मुझे बताया कि मिस्टर जायसवाल कहते हैं कि थाना में मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं। अच्छा, एक आईएएस ऑफिसर अपने आप को कहता है मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं, और वो गुंडागर्दी यहाँ पर भी मतलब दिखाने के लिए उन्होंने ये किया कि इन लोगों ने एक निवेदन देना चाहा, जो लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर हमारा अधिकार है कि हम मतलब जो है किसी चीज को सही या गलत समझते हैं हम उसका निवेदन दें। ये निवेदन देने के लिए हमारा पदाधिकारी युद्ध का अध्यक्ष हमारा निशान अंसारी और जो नासिर भाई है, हमारे जो जिम्मेदार लोग वहाँ गए और जाके, जबकि इनके लोग जिन्होंने ये कुल जमाती, इन्होंने नाम रखा ये कुल जमाती नहीं बल्कि ये पाखंडियों का एक वो था, एक मतलब जो है तो एक प्रोग्राम था वो, इसलिए कि कुल जमाती तो वो होती है जिसमें दोनों जमीतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, जमीत अहले हदीस हो, सुन्नी जमात हो, वो मिला के उसको कुल जमाती कहा जाता है। ये तो ऐसा है जिस तरीके से डमी इनका लीडर है, आमदार है, वैसी डमी इनकी संगठन है, डमी इनके नाम होते हैं। मतलब इन्होंने मतलब जो है वो प्रोग्राम किया, हमारे लोग वहाँ गए कमिश्नर को निवेदन देने। एक तो कमिश्नर ऐसी जगह पर आया जिस जगह पर कोई भी कार्यक्रम करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति नहीं है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम, वो इलीगल जगह पर प्रोग्राम का परमिशन इनको कैसे प्रशासन ने दे दिया? ये इलीगल जगह पर प्रोग्राम, लाइट ली गई प्रोग्राम के लिए, वो पोल से ली गई, चोरी की लाइट इस्तेमाल की आपने, उसके बाद में ये 10:15 तक आपने प्रोग्राम चलाया, आपने सारी इलीगल चीजें की, और जो हमारे लोग लीगल करने गए थे वहाँ पे एक निवेदन देने के लिए, आपने जो है पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बना के आपने उनको उठा के पुलिस स्टेशन के अंदर पूरी रात काली कर दी और उनसे स्टेटमेंट लिखवा के आपने लिए। उस शख्स से स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखवा रहे जिसने इनको कॉल किया था, जिसने इनको बुलाया था, उनसे क्यों नहीं स्टेटमेंट आपने लिया? तो अभी आप इसके इस मसले को आगे बढ़ाने वाले हैं? कल हम बात करेंगे डीसीपी साहब से। अच्छा, कल हम इस मसले के ऊपर डीसीपी साहब से बात करेंगे, स्वामी सर से हम बात करेंगे, उनको हम बुलाएंगे और हमको बुला के पूछेंगे कि स्वामी साहब का गलबन ट्रांसफर हो चुका अभी है 2 दिन के लिए मालूम पड़ा है, एसीपी साहब भी है, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, और बात करके हम उनको बोलेंगे कि साहब मुमरा कायदे से चलेगा, प्रशासन से चलेगा या नेताओं की इच्छा से चलेगा, मनमानी तरीके से चलेगा, इलीगल तरीके से चलेगा, ये मतलब जो है तो जरूर हम सवाल करेंगे। थैंक यू।